अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त कोरंगी क्रॉसिंग पे मौजूद हैं और मैं आपको कोरंगी क्रॉसिंग पे अंदर की तरफ लेके चलती हूँ, मार्केट साइड पे या यहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर आपको लेके चलती हूँ। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त वो गैस का इशू है। यहाँ पर जो है सेली और अफ्तारी के टाइम पर खासकर गैस जो है वो यहाँ पर हमेशा की तरह गायब नज़र आती है। आम दिनों में तो गैस के मसाइल यहाँ पर रहते ही रहते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने में भी जो है वो गैस की लोड शेडिंग जो है वो मामूल के मुताबिक तो जारी है ही है। साथ साथ जो है वो सेहरी और अफ्तार के टाइम पे जो है वो यहाँ पर गैस का जो बहरान है वो मज़ीद जो है वो बढ़ चुका है। जी, हमारे साथ यहाँ पर कोरंगी क्रॉसिंग के शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर लोड शेडिंग का जो बहरान है या लोड शेडिंग की जो टाइमिंग है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, सुई साउथर्न गैस कंपनी की तरफ से कोई टाइमिंग नहीं है। ये वो जिन है जो बेकाबू है, इसका ना आने का टाइम है ना जाने का पता है। सुबह आप देखें, रमज़ान मुबारक का महीना है, नेक महीना है, आवाम उठती है अपने शहरी के लिए। सुबह शहरी में गैस नहीं है, लकड़ियों पर लोग खाना बनाने पर मजबूर हैं। अफ्तारी में भी लोग लकड़ियों पे ही खाना बना रहे हैं। कंटोनमेंट का एरिया है, मतलब यहाँ पोस्ट लोग रहते हैं, ऐसा एरिया है। यहाँ पे एक गोट टाइप का इलाका होता है, वहाँ समझ आता है कि गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बिजली की लोड शेडिंग है, तो समझ आता है। यहाँ पे भी गैस की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि आपको मैं क्या बताऊँ। शहरी में बनाने को गैस नहीं है और अफ्तारी में भी गैस मौजूद नहीं होता। अच्छा, अभी गवर्नर सिंह ने ये अनाउंसमेंट की है कि जिन एरियाज में जो है वो गैस की लोड शेडिंग है, गैस का बहरान है, वहाँ पर अगर गैस ना दी गई तो गैस के बिल जो है वो जमा नहीं किए जाएंगे, वो फाड़ दिए जाएंगे। देखें, ये फैसला गवर्नर सिंह तो मेरे ख्याल में उनके हक में नहीं है ये फैसला कि वो करें। ये तो हुकूमती फैसला है कि अगर हुकूमत ये कह दे कि ठीक है जहाँ पे गैस मौजूद नहीं है वो बिल दे दिया जाए, बिल फाड़ने वाली तो बात मेरे ख्याल में गवर्नर साहब को भी नहीं कहनी चाहिए कि ये बिल फाड़ दें। खान साहब भी कहा करते थे कि हम बिजली का बिल फाड़ दें, फिर अपने ही बिजली के बिल पर वो रो रहे थे, तो ये बात तो ठीक नहीं है। हुकूमती फैसला, अगर हुकूमत ऐलान कर दे कि भाई जिनके घर पर गैस नहीं है वो बिल चेक करवाए, अपने मीटर रीडिंग चेक करवाए और दे। क्या पोजीशन है, क्या बिल आ रहा है आपके घर पर? बिल वही है, कोई पोजीशन नहीं है। मीटर चले या ना चले, एक नॉर्मल घर में, छोटे से घर में 500-1000 रुपये का बिल आना ही आना है, लाजमी आना है। गैस के बिल की बात करूँ मैं आपको, गैस की ही बिल है। अच्छा, इसमें मीटर चार्जेस भी हैं, इसमें टैक्स भी है, सेल टैक्स भी है, जनरल टैक्स भी है। देखिए, ये मेरा ख्याल है ये करप्शन टैक्स है, क्योंकि इतने सारे टैक्स लगाने के बावजूद भी आवाम को ये सहूलत नहीं दी जा रही, तो फिर ये करप्शन टैक्स है। अगर आप आवाम से इतना ज़्यादा पैसा ले रहे तो वो कहाँ जा रहा है? गैस गैस करते हैं आप, बाकी ममालिक को गैस भी प्रोवाइड करते हैं, गंदम भी प्रोवाइड करते हो, बिजली पानी सब प्रोवाइड करते हो, आपके अपने मुल्क के लिए नहीं है। तो इस वक्त गैस का बहुत ज़्यादा बहरान है। मेरी भी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि जिस इलाकों में गैस नहीं है वहाँ, अगर आपने ही मुझे बताया वहाँ बिल माफ़ किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। महंगाई का ज़माना है, बहुत महंगाई हो गई है। चीनी देख लें, आटा देख लें, तमाम चीज़ें अरूज पर हैं। बिजली की बात करें तो बहुत ज़्यादा अरूज पर। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताऊँगा, आज सिंध गवर्नमेंट का एक बेहतरीन फैसला था कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी सिस्टम अपना अनाउंस करवाया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस पर वो कायम रहेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। गैस ने इतनी ज़िंदगी परेशान कर दी है कि रमज़ान का लिहाज भी ख़त्म हो गया है। रमज़ानों के अंदर दूसरे मुल्कों में दूसरे कौम वाले इतनी सहूलत देते हैं और ये हमारे अपने मुसलमान हो गए, हमको इतनी टेंशन अजियत में डाल रखा है कि कभी ना अफ्तारी में कभी गैस नहीं है, कभी सेहरी में गैस नहीं है। अब ये मुसलमानों का मुस्लिम मुल्क है और इन लोगों ने इस तरह से इतने मसाइल खड़ा कर दिए, इससे पहले कभी इस तरह के मसाइल नहीं थे। क्या शेड्यूल रहता है गैस का? कोई पता नहीं पड़ता। मैं भी कभी भी किसी भी टाइम, अपनी इनकी दादागिरी है, बिल गैस नहीं है मगर बिल रेगुलर हर महीने। वो कितनी हकीकत है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर गैस है ही नहीं, लोग 2-3 महीने से लकड़ियों पर खाना बना रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, एज इट इज़, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ पर इतनी परेशान कर रखा है, हालांकि बिल कंटिन्यू हर महीने वो उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं। गैस नहीं तो बिल किस चीज़ के आ रहे हैं? अफ्तारी में परेशानी, सेहरी में परेशानी, सिलेंडर इतनी मुश्किल, सिलेंडर आजकल इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं कि अफ्तारी का टाइम हो जाता है उस चक्कर के अंदर। अज़ाब इलाही बना दिया, मुस्लिम कंट्री है और रमज़ानों में इतना परेशान कर रखा है, अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। थैंक यू। रमज़ान में सोचा भी नहीं था कि रमज़ान में ये भी परेशानी होगी, पर अभी भी मैनेज करती हैं, अफ्तारी हो गई, बहुत हाँ बहुत परेशानी। काफ़ी दिनों तक तो हमने बाजार से मंगा के अफ्तारी सहरी करी है, के दौर में बाहर से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बेटा, तो क्या करें। हुकूमत से तो है बहुत सारी शिकायतें हैं, अब क्या करें। आपके सामने ये मसले मसाइल कैसे चल रहे हैं? और मेरे घर में तो मैं ही जॉब करती थी,
और इसके अलावा मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, बहुत परेशानी है मुझे। जॉब ना होना, फिर गैस की लोड, हाँ वही तो, कितनी महंगाई है बेटा, बहुत, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। रहती है और सुबह से बिल्कुल भी नहीं होती है। सुबह सहरी और अफ्तारी की क्या रूटीन आती है? सहरी में नहीं होती, अफ्तारी के टाइम नहीं होती। किस तरह से मैनेज कर रही हैं फिर आप अपनी किचन को? इस तरह कर रहे हैं कि 3 बजे जब आती है ना, जब शुरू होते हैं हम लोग, तो अफ्तारी तक कम्प्लीट हो जाते हैं। मतलब बहुत ही स्लो ना होने के बराबर। ये लोग सहरी में किस तरह मैनेज करती हैं? सहरी में कभी बाहर से कर लेते हैं या फिर जो रखा हुआ होता है रात का वो उसमें कर लेते हैं। अरे ये है कि दिन से पका लेते हैं तो वही रखा हुआ होता है तो खा लेते हैं। गैस से या हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे? क्या अपील करेंगे, क्या कर रही है हुकूमत, कुछ भी नहीं कर रही है। कराची की आवाम दे रही है दुहाई, कभी गैस की लोड शेडिंग तो कभी बिजली की लोड शेडिंग, साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई। आखिर इस आवाम का, कराची की आवाम का है कोई परेशान हाल? कराची कोरंगी क्रॉसिंग के एरिया है ये जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, और यहां पर जो रिहायशी लोग हैं वो इस कदर परेशान हो चुके हैं गैस की लोड शेडिंग से, जिनके घर में एक कमाने वाला है, आप खुद सोच सकते हैं कि या तो वो अपने घर का किचन जो है वो मैनेज कर सकता है या अपनी दूसरी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। साथ साथ गैस की ना होने की वजह से जो है वो यहाँ पर लोग जो हैं बाहर से खाना लेकर आ रहे होते हैं, बाहर से सहरी अफ्तारियाँ कर रहे होते हैं, तो आखिर इस महंगाई में रोज़ रोज़ बाहर से सहरी अफ्तारी करना भी लोगों के बजट से जो है वो बाहर जा चुका है। सुई सदरन गैस के अपने कमरों में पड़ी सो रही है, उन्हें नहीं पता कि गैस की बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से आवाम इस बाबरकत महीने में जो है वो परेशान हो चुकी है। मेरी हुकूमत से इतनी दरख्वास्त है कि होश के नाखून लें, जाग जाएँ। हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हम मुस्लिम ममालिक में रह रहे हैं, जहाँ पर जो है रमज़ानुल मुबारक में तो कम से कम आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करना चाहिए। कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।